वो चोर है, चोर हाकिम लाल बिन चोर है। हंडिया तो बसपा की बपौती है, बपौती मतलब रजिस्टर में लिखा हुआ है कि वो बसपा के खाते में जाएगी, पूर्ण बहुमत की प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहन मायावती पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। साथियों नमस्कार, जिस तरह से हम प्रयागराज में लगातार उपस्थित हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम था, मंडल स्तरीय का कार्यक्रम था। यहाँ पे जो है सतीश चंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में थे और हमारे साथ में उपस्थित हैं जिला इलाहाबाद के कोषा अध्यक्ष जो है सलीम खान जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कहेंगे, चुनाव भी नज़दीक है इस समय। 12 के बरहौ सीट ये बसपा के बाह रजिस्ट्री भेजे ऊपर ही से, किसी विरोधी पार्टियों की खाता नहीं खुलेगी। क्या बात है, विधानसभा इंडिया की बात करें तो भाई हकीम लाल बिंद जी थे, वो सपा ज्वाइन कर लिए। वो चोर है, चोर हकीम लाल बिंद चोर है। वोट देने से पहले क्यों उनको नहीं चोर कहते थे? वो हमारे वजह से विधायक बना है। मैं 25,000 मुस्लिम समाज की वोट दिला के हम हाकिम लाल को विधायक बनाया हूँ। जैसे विधायक बनाना जानता हूँ, आज सपा में गए हैं उसे हराना भी चाहता हूँ। इस बार बहुत बुरी तरीके से उनको हराएंगे। और मुन्ना त्रिपाठी कम से कम 30-40 हज़ार वोट से जीतेगा। रही सवाल हंडिया की, हंडिया तो बसपा की बपौती है, बपौती मतलब रजिस्टर में लिखा हुआ है कि वो बसपा के खाते में जाएगी, पूर्ण बहुमत की प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहन मायावती पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या हंडिया में बीजेपी और सपा के लोग पर नहीं मार पाते? बीजेपी की बात करते हैं आप, बीजेपी और सपा सब एक ही है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सब देखा था, सोफा में टांग लड़ाई के सब दोनों जने बैठत हैं। अब मुसलमान के चूतिया बना है, 25% मुसलमान जो है, 22% मुसलमान की वोट लेके और भाजपा के गोदी में बैठ रहे हैं। मुसलमानों का केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। इस बार पूर्ण बहुमत में की सरकार मुस्लिम समाज बनाएगा, बहन जी की पांचवी बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। विरोधी लोग तो ये भी कहते हैं कि बहन जी जो है जमीन पर नहीं आ रहे, चुनाव नज़दीक है। 2007 में लोग कह रहे थे कि बहन जी का कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम शांतिपूर्वक थी कि नहीं थी। और जब बहन जी सन्नाटा रहती है तभी पूर्ण बहुमत में सरकार बनती है बहुजन समाज की, तभी पूर्ण बहुमत में सरकार बनती है। सरकार बनेगी टोटल 22% मुसलमान इस बार बहन मायावती को वोट देने जा रहा है। जिस तरह से आप लगातार देख रहे थे, हमारे साथ जिला अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी मौजूद थे और लगातार मुस्लिम तबका जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जुड़ रहा है और इसी के साथ विधानसभा हंडिया में जो है दावा कर रहे हैं 30,000-40,000 वोटों से जीत करेंगे,